लाहौर दीर में बलियात इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तैयारी मुकम्मल कर ली है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकामी होटल में रिटर्निंग ऑफिसरों की तरबियत के लिए दो रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के सूबाई डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल कादिर, मलकन डिवीजन के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद नदीम, इलेक्शन कमिश्नर लाहौर दीर मोहम्मद इकबाल तनौली समेत लाहौर दीर के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बदलियाती इंतखाबात के रिटर्निंग अफसरों को बदलियाती इंतखाबात से तरबियत और हिदायत दी गई। जो हमारा यहाँ पे सेशन जारी है जी, ये दो रोज़ा यहाँ पे ट्रेनिंग है हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स की, जो पूरे थ्रू और लोगों धीर में अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। और ये हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं तकरीबन 26 यहाँ पे लोगों धीर में तैनात किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिए, तो इंशाल्लाह ये 4 तारीख से पब्लिक नोटिस के साथ फिर आगे अपनी जितनी भी टीम की है वो जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने बताया कि लाहौर दीर में बदलियाती इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल की है और बदलियाती उम्मीदवारों को 4 फरवरी से रिटर्निंग अफसरों से कागजात हासिल करेंगे, जबकि 7 फरवरी से 11 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्ला स्वाति, तिमरगरा, लाहौर दीर।